24 जून 2020 ये दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए। सो ऑलमोस्ट देयर, अभी सब्सक्राइबर काउंट है वो है 993। सो 994 6 सब्सक्राइबर्स टू गो। आई एम सो हैप्पी, मतलब आज का वो दिन है जिस दिन मेरे आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है। सो यहाँ पे फिलहाल प्रॉब्लम ये है, बहुत हवा चल रही है लास्ट 2-3 दिन से, सो इट कैन ब्रेक माय विंडो। तो अगर गलती से भी ये टूट गया तो पैसे ऑफकोर्स हमें भरने हैं। प्रॉपर्टी एजेंट है, उनको मैं इन्फॉर्म करूँ कि ये सिटी काउंसिल जो है उनको बोल के ये काट दिया जाए, बिकॉज अगर गलती से भी टूट गया तो पैसे पूरे जाएंगे मेरे। तो ये देखो यहाँ पे भी सेम सीन है, यहाँ पे भी सेम सीन है, और ये बालकनी से भी सेम सीन है। तो ये है प्रॉब्लम, देखो अभी भी बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, आई डोंट नो उतना वॉइस आ रहा है कि नहीं। ये और ये यहाँ पे तो नहीं, बट इट कैन ब्रेक माई विंडो एंड दैट टू। दिस इज द माइक, एक मिनट। सो दिस इज़ द माइक जो मैंने ऑर्डर किया था, तो इसको आने के बाद मैं अनबॉक्सिंग और टेस्ट करूँगा, तो इसको फिलहाल अभी यहाँ पे रखते हैं। प्रॉपर्टी एजेंट है, उनके यहाँ पे जाना है और वो जो विंडो का सीन है वो उनको इन्फॉर्म करना है। आज मेरा बेस्ट फ्रेंड लगता आ गया, आप लोगों ने लास्ट टाइम मिस किया था उसको, तो आज वही है शायद से, बट आज उतना जोर से उसका आवाज़ नहीं आ रहा है। सो वेस्ट रेड में और रिसाइकल जो है वो येल्लो में, अगर मिसमैच हो गया तो फाइन आ सकता है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर इन ऑस्ट्रेलिया देन जून एंड जुलाई इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हियर, बिकॉज यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है और विंटर्स होते हैं। एंड इफ यू आर कमिंग इन डिसम्बर इट विल बी वेरी ह्यूमिड। आज मुझे एक चीज़ मिस नहीं करनी है, वो है 1000 सब्सक्राइबर वाला। अगर मैं अभी जा रहा हूँ तो आई रियली होप कि वो अभी ना हो, बिकॉज मुझे वो देखना है स्क्रीन पे कैसे दिखते हैं 1000 सब्सक्राइबर जब वो 1000 होगा तब। ऑल राइट, तो स्टार्ट हो गई है अभी मोटो व्लॉगिंग एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टैफर्ड जो यहाँ से 2 किलोमीटर्स है। एक मिनट, यहाँ पे गिव वे लिखा है, मतलब देखना है दोनों जगह कोई आ रहा है कि नहीं, कोई नहीं आ रहा, ओके ठीक है जा सकते हैं। वन थिंग आई हैव एन्जॉयड हियर, क्योंकि मेरे पास कार नहीं है फिलहाल, सो साइकिलिंग करने यहाँ पे बहुत मज़ा आता है बाय द वे, बिकॉज यहाँ पे डेडिकेटेड साइकिल पाथ है और मतलब साइकिल रोड्स भी है यहाँ पे, तो मज़ा आता है। तो अभी मुझे जाना है वो साइड। नाइस, तो कभी कभी ऐसे सिग्नल, मतलब ये बटन प्रेस करने के बाद 2-3 मिनट्स के बाद ये ग्रीन सिग्नल होता है, इतने फटक से क्विकली नहीं होता, तो आई थिंक अभी हो जाएगा, होना चाहिए, हो ओके हो गया ग्रीन सिग्नल, सो नाउ वी कैन गो, और वो भी ग्रीन सिग्नल हो गया है, तीनों ग्रीन सिग्नल हो गया बाय द वे। नाउ आई हैव टू गो टू दिस वे जहाँ पे जो ऑफिस है वो, और वन मोर थिंग मैंने नोटिस की, मतलब ये जो एक्शन कैमरा मैंने जस्ट $25-30 में लिया था, 30 या 35, आई एम नॉट श्योर, मुझे लगा था इसकी वॉइस उतनी क्लियर आएगी नहीं, बट सरप्राइजिंगली यहाँ इसका माइक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही क्लियर वॉइस आ रहा है, और ये एडिटिंग करते टाइम मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे बाय द वे। तो उनका जो ऑफिस है यहाँ से स्ट्रेट ही है, सो आई डोंट नीड टू ओपन द गूगल मैप। हम नहीं घबराएंगे, ताली लोग बजाएंगे जब हम तुम जाएंगे, जल्दी जल्दी चलो चलो गोका चलो। तो पहले मैं जहाँ पे रहता था वो यहाँ पे रहता था, मैं यहाँ से जो स्ट्रेट बिल्डिंग है वहाँ पे,
सो अभी दिखेगी नहीं, पता नहीं, आपको नहीं दिखी होगी, तो वहाँ पर रहता था, सामने जो ऑफिस है वही है एल जे हुकर्स, जो ऑस्ट्रेलिया का नहीं पता, नहीं ऑस्ट्रेलिया का नहीं पता बट ब्रिस्बेन में तो सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एजेंट है। एंड और एक वीडियो मुझे बनाना है बाय द वे, कि लोगों को बताना कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो आप यहाँ पे अगर आप लीज पे अगर घर चाहिए तो कैसे ले सकते हो आप, तो वो भी एक वीडियो आएगा। सो 995 सब्सक्राइबर हो गए, तो आई थिंक जब मैं घर पे जाऊँगा तब तक 1000 हो जाएंगे, तो आई डोंट वॉन्ट टू मिस दैट। तो साइकिल लॉक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो साइकिल लॉक कर दिया मैंने। एल जे हुकर्स स्टैफर्ड आई थिंक, आई जस्ट चेक, प्लीज डू दैट बिकॉज देन वी विल बी इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है, तो काम हो गया है, उन्होंने यही बोला है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब सिटी काउंसिल या बॉडी कॉर्पोरेट, पता नहीं कौन करता ही है, तो उनको वो लोग मेल सेंड कर देंगे। ओके ग्रीन सिग्नल हो गया है, इसको मैं सेकंड पे डालता हूँ। नेचुरल कोकोनट वाटर वाली तो टेस्ट नहीं है, डिफरेंट टेस्ट है। अभी जस्ट सब्सक्राइबर काउंट चेक किया मैंने, इट्स स्टिल 995, तो मोर 5 सब्सक्राइबर्स टू गो, तो एक इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट कर देता हूँ मे बी, तभी हो जाएंगे 1000। और अभी हो रहा है लंच टाइम, तो लंच में मैं बना रहा हूँ खिचड़ी, बिकॉज टाइम सेविंग है और ज़रा टाइम मुझे वेस्ट करना नहीं है खाना बनाने में, तो इसलिए सिंपल एंड सोबर खिचड़ी। फाइनली 1000 सब्सक्राइबर हो गए, एंड आई एम सो हैप्पी कि 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ओके मतलब एक टाइम था जब 50 व्यूज़ आते थे, 70 व्यूज़ आते थे, अब नहीं, 1000 तो नहीं व्यूज़ आ रहे बट 300-400 व्यूज़ आ रहे हैं, और कुछ वीडियो पे 8000 तक व्यूज़ है। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, जो लोग मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे। सो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, तो वैसी चीज़ है कि मैंने ज़्यादा कभी सब्सक्राइबर्स के बारे में सोचा नहीं था, और स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि 100 सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट, और मतलब इतना सोचा नहीं था कि मैं इसको इतना आगे कंटिन्यू करूँगा, और अभी से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ने वाली है, बिकॉज मुझे एवरी वीक 3-4 वीडियोस अपलोड करना है कॉन्स्टेंटली, बिकॉज नाउ वी आर 1000 फैमिली, मतलब क्या बोल रहा हूँ, 1000 फैमिली मतलब आप लोग जुड़ते गए मेरे से, मतलब कनेक्ट होते गए थ्रू यूट्यूब, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो आप गाइस, लाइक करते हो, दिल से थैंक यू यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं आज। और अभी इंस्टाग्राम और बाकी जो सोशल मीडिया वहाँ पे भी मैं स्टोरी या फिर पोस्ट अपलोड कर देता हूँ दैट आई हैव अचीव 1000 सब्सक्राइबर, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी बिग नंबर बट स्टिल इट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर मी, और थैंक यू।